बॉलीवुड भास्कर डॉट कॉम पर मैं हूं आलोक और इस समय मेरे साथ हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर और मेरे आनंद सर। हाय आनंद सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया हूं। आप बताएं नील बटे सन्नाटा की क्या रिपोर्ट आ रही है, कैसा रहा फ्राइडे से लेकर अभी तक का सफर? बढ़िया रहा आलोक। कई बार आप बॉक्स ऑफिस से ज्यादा ये देखना पसंद करते हैं कि आपके पास कितनी ऑडियंस आई, और मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे उसी हिसाब से बहुत सारा प्यार मिल रहा है जो मैं अपनी हर कहानियों में ढूंढता हूँ। निल बट्टे सन्नाटा ने भी वही किया, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारी तारीफें मिल रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस जाएगी और भर के फिल्में देखेगी। एंड इस फिल्म के बाद आपकी जानिब से और कौन कौन सी फिल्में अगर आप जिक्र करें? यार, डायरेक्टर आदमी हूँ, जितना कहानियों पर ध्यान दे सकता हूँ उतना कहानियों पर ध्यान देता हूँ। कुछ मेरे अपने अजीज डायरेक्टर्स हैं जो मेरे लिए फिल्में बना रहे हैं। एक फिल्म है, एक छोटी सी खूबसूरत सी फिल्म है, बहुत बड़े दिल वाली फिल्म है, जिसका नाम है निम्मो, जो कि नए एक्टर्स हैं उसके अंदर, जो कि राहुल शांकरले डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर एक फिल्म है हैप्पी भाग जाएगी, जो मुदस्सर अजीज डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें अभय देओल और डायना पेंटी हैं। और फिर उसके बाद एक मनमर्जियां हैं जो आयुष्मान खुराना और भूमि के साथ हैं, जिन्हें अश्विनी डायरेक्ट करेंगी। और फिर शायद मैं तैयार हो जाऊंगा अपनी कहानी को लेके, और ज्यादा करके खान साहब के साथ कर पाऊंगा, शाहरुख साहब के साथ। तो ये सारी फिल्में तैयार हैं कलर येलो प्रोडक्शंस की तरफ से। सर, चलते चलते जो आपके व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर आपकी फिल्में देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मुझे चलने के लिए बहुत सारा प्यार लगता है, वो देते रहिएगा। मैं अपनी मेहनत करता रहूंगा, मुझे मेरी गलतियां बताते रहिएगा ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और इतना नेक इंसान इतनी सारी बातें कह जाता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड भास्कर.com।